हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे तो मैंने सोचा चलो घर से निकलते हैं और कहीं घूम के आते हैं। तो मैं निकली घर से और आ गई मूर्ति। आप देख रहे हो, ये है मूर्ति व्यू पॉइंट। यहाँ से जो रिवर का नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है। तो चलो हम भी चलते हैं आगे और देखते हैं नज़ारा कैसा आता है। सो फ्रेंड्स, ये है मूर्ति रिवर। ये बेसिकली एक पहाड़ी नदी है और जब ज़्यादा बारिश होती है ना, तो वो जो पत्थर दिख रहा है ना आपको, वो पूरा पानी से ढक जाता है, तब ये पत्थर दिखाई नहीं देता। और उस पर जो आपको फॉरेस्ट दिख रहा है ना, वो है मूर्ति फॉरेस्ट। शाम के टाइम में कई सारे जंगली जानवर जो है यहाँ से आते हैं इस रिवर का पानी पीने। फ्रेंड्स, पहले ना यहाँ पर पिकनिक भी होता था, लेकिन वो अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग यहाँ पर आके कचरा फेंकते हैं नदी के पानी में, तो पानी कई काफ़ी गंदा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वो जो दूर दिख रहा है ना आपको, वो है मूर्ति बीच। वह से बड़ा गाड़ी नहीं चलता है, छोटा कार या फिर बाइक लेके जा सकते हो। या से आप राइट टर्न ले लोगे तो आपको मिल जाएगा लाटागुड़ी, और अगर लेफ़्ट से आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा झालोंग, बिंदु, चापरामाड़ी। आप ये सब जगह पर जा सकते हो। और इस जगह का जो पानी है वो एकदम क्लियर है। आप चाहो तो यहाँ पे आप आके रुक भी सकते हो। यहाँ पे कई सारे होमस्टेज वगैरह है, और चाहो तो आप घूम के वापस भी जा सकते हो। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है सिलीगुड़ी से इस जगह का, लगभग आपको 1.5 आवर की जर्नी करनी होगी। तो उस टाइम में आप थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के रिवर साइड में व्यूज़ को इन्जॉय करके चाहो तो यहाँ पर रुक भी सकते हो, और चाहे तो वापस भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आके कुछ टाइम बिताओगे तो आपको अच्छा लगेगा। पानी देखो कितना क्लियर पानी है। सो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा निकली थी घूमने के लिए, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड बाय।